बुढ़ापे में भी जवानी का मज़ा लेना है तो आप इस पौधे का प्रयोग कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पौधा है और आप इसके फूलों को देख लीजिए। ये दो तीन प्रकार का होता है, सफ़ेद और पीले फूल वाला भी होता है। उसमें से जो पीले फूल वाला होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसी पीले फूल वाले पौधे तोदरी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, इसको तोदरी के नाम से जाना जाता है और ये शक्तिवर्धक औषधियों में बहुत ही अच्छी दिव्य और चमत्कारी औषधि है। इसका प्रयोग करके आप अपनी कमजोरी को, अपनी दुर्बलता को दूर कर सकते हैं। दुबले पतले हैं तो कमजोरी है तो आप बलवर्धक और बलवान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कारण से जो है शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है और आप नाइट फेलियर की शिकायत से ग्रस्त हैं या और भी आपकी पुरुषार्थ चला गया है, आपकी मर्दांगनी ताकत चली गई है, उसके लिए ये तोदरी बहुत ज़्यादा गुणकारी, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जो मैं इसका प्रयोग बताऊंगा वो समस्त पुरुषों के रोग को दूर कर देती है। प्रयोग कैसे करना है? तोदरी के आप इन बीजों को ले लीजिए, या फिर बीजों को या फिर पूरे पंचांग को ले लें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। मौसरी सफ़ेद, सालम मिश्री, आप नोट करते जाइए या वीडियो को पूछ कर सकते हैं। मौसरी सफ़ेद, सालम मिश्री, ताल मखाना, बरहम लाल, सफ़ेद बरहम और ये तोदरी ले लें। दोस्तों, इन औषधियों को लेकर के आप चूर्ण बना लें और अगर आप सेवन करते हैं तो समस्त प्रकार के पुरुषों की बीमारियों को, चाहे वह कमजोरी हो या पुरुषार्थ की कमी हो या फिर नाइट फेलियर हो या और भी धातु रोग हो या और भी कोई समस्या हो, कमज़ोर हो पुरुष, तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। जो हमारे भाई ठंडे पड़ चुके हैं, जिससे वे वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग सकते, वे इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा गुणकारी है। तोदरी की जड़ बहुत ज़्यादा दिव्य है। इसमें अकरकरा और अश्वगंध और तोदरी की जड़, अकरकरा, अश्वगंध और तोदरी की जड़ का चूर्ण मिश्री मिला करके दूध के साथ सेवन करते हैं तो फिर ये ठंडे पड़े हुए हमारे भाइयों को भी ताकत देता है, स्टेमिना देता है और नाइट फेलियर की शिकायत को दूर कर देता है। दोस्तों, जिनका स्टेमिना ना मात्र है, वे स्टेमिना के बढ़ाने के लिए इस उपाय अश्वगंध, अकरकरा और इस तोदरी के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें।